सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आ गई हूँ मैं एक और मार्केट वीडियो लेकर और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजपत नगर मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन जिसमें है क्लोदिंग, एक्सेसरीज, बैग, फुटवेयर, सब कुछ। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो लाजपत नगर मार्केट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लाजपत नगर, जो कि पड़ता है पिंक और वॉयलेट लाइन पर। और गेट नंबर 5 से एग्जिट करने के बाद अराउंड 100 मीटर्स की वॉक के बाद आप सीधा मार्केट में पहुंच जाएंगे। तो राजप्रिया स्टोर के ऑपोजिट में यहाँ टॉप्स और ट्यूनिक्स थे 250 में। देन इस तरह की लॉन्ग शर्ट्स भी थी इनके पास जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। देन इस तरह के टॉप्स थे जो कि समर में काफ़ी सही रहते हैं और कलर इसमें काफ़ी अवेलेबल थे इनके पास और मटेरियल वाइज भी अच्छे थे ये। देन यहाँ इनके पास लॉन्ग काफ्तान भी थे जो कि जॉर्जेट मटेरियल में थे और ऑप्शन इनमें भी बहुत ही सारे थे इनके पास, चाहे वो कलर्स हो या फिर प्रिंट हो, हर तरीके के अवेलेबल थे। इनके पास 300 में ड्रेसेस और कोयल सेट भी थे और मटेरियल वाइज बहुत ही सही थे ये भी। देन यहाँ 200 में ज़ारा की ड्रेसेस भी थी जो कि कॉटन मटेरियल में थी, पैडेड और नॉन पैडेड दोनों थी इनके पास। और इसी के आगे 150 में ब्रांडेड डेनिम्स और ट्राउजर्स थे। देन चेक में ये स्कर्ट थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और कैरी कर बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की स्कर्ट। सीता फैब्रिक के ऑपोजिट ये शॉप थी जहाँ इयररिंग्स, हेयर एक्सेसरीज, ब्राइडल चूड़ा और हर तरीके के बैंगल्स अवेलेबल थी। ईयरिंग्स के स्टैंड थे 50 रुपीज़ के जिसमें सिल्वर ईयरिंग्स और इस तरीके के झुमकियाँ थी जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं कैरी की हुई और बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पर। देन यहाँ पर कड़े थे 150 की प्राइस रेंज में, बैंगल सेट भी थे इनमें जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। सामने जितने भी इयरिंग्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में थे बट स्टार्टिंग प्राइस इनका 200 था और वैरायटी बहुत है इनके पास, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आकर यहाँ पर। देन ऑपोजिट साइड में इसी शॉप में हेयर एक्सेसरीज और छोटे वाले इयररिंग्स भी थे जिनका स्टार्टिंग प्राइस 50 रुपीज़ था और इसमें कोरियन इयररिंग्स भी थे जो कि आजकल काफ़ी चल रहे हैं। देन सीता फैब्रिक के बाहर यहाँ ये आंटी थी जो कि ये नेक पीसेज 100 से 150 की प्राइस रेंज में दे रही थी। कुछ तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे इनके पास जो कि 100 की प्राइस रेंज में काफ़ी सही थे। देन इनके पास बड़े वाले झुमके थे जिनका प्राइस 100 रुपीज़ ईच था। यहाँ नीचे पेंडेंट सेट थे जो 150 की प्राइस रेंज में थे। देन इसके आगे ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये 50 रुपीज़ में थे और ये आप ज्वेलरी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं रखे हुए भी ये। इसी के साइड में रखी हुई थी यहाँ ये रिंग्स जो कि 50 में दो थी और बैंगल सेट थे जो कि 150 का पेयर था और ऑप्शंस इसमें बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल थे इनके पास।
मैंने शॉप पर थे डिज़ाइनर ब्लाउजेज, ये मिरर वाला था 950 का और ऑप्शंस इनके पास बहुत थे, चाहे ब्रोकेट में हो, चिकनकारी हो, सीक्वेंस में हो या फॉइल मिरर हो, हर तरीके के ऑप्शंस थे इनके पास, जिनका स्टार्टिंग प्राइस था 500। और प्राइस यहाँ पर इनके शॉप में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग थे, जैसा आप डिज़ाइन लेंगे उसी तरीके का प्राइस है, बट आपको हर डिज़ाइन में कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। देन इसी शॉप में 250 में डेनिम्स थी जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी। इसी के नेक्स्ट थी ये फुटवेयर शॉप जहाँ पर 250 की सेल चल रही थी। इनके पास हील्स में भी काफ़ी ऑप्शंस थे जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं, या फिर नॉर्मल ऑनलाइन साइट्स पे आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, बट यहाँ ये 250 की प्राइस रेंज में थे। फ्लैट्स में भी बहुत वैरायटी थी इनके पास, स्लाइडर्स में भी डिफरेंट ऑप्शन थे यहाँ पर, और अंदर शॉप में शूज़ भी थे सेम प्राइस पर। देन फास्ट ट्रिप स्टोर के बाहर यहाँ सनग्लासेस की सेल थी 150 रुपीज़ में, और वैरायटी इनके पास बहुत थी, और अंदर स्टोर में और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे। देन इस शॉप पर थी इयररिंग्स की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, वो भी स्टार्टिंग प्राइस था 50 रुपीज़ में। ये वाला स्टैंड था 100 रुपीज़ का, जिसमें इतने खूबसूरत एथनिक इयररिंग्स थे डिफरेंट कलर्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और आप इनको अपनी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग मैच करके ले सकते हैं। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक पीसेस थे इसमें। देन यहाँ थे सिल्वर इयररिंग्स जो कि थे 50 रुपीज़ में, जिसमें हुप, स्टड और हैंगिंग में थे इयररिंग्स, इनमें मिरर वाले भी थे। और इस तरीके के चांद सितारा स्टड भी थे इनके पास, जो कि कैरी किए हुए बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगते हैं। देन यहाँ पर चोकर सेट थे 100 रुपीज़ में, डिफरेंट स्टाइल्स में, सिल्वर में भी थे, पर्ल में भी थे, ये पूरा स्टैंड 100 रुपीज़ का ही है। देन ये लॉन्ग चेन वाले नेक पीसेस भी थे यहाँ, इनमें भी काफ़ी ऑप्शंस थे इनके पास। आप चाहे तो खाली नेक पीस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इयररिंग वाला ही लें, अगर आप खाली नेक पीस भी लेंगे तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन यहाँ पर इस तरीके की क्यूट चेन्स भी थी जो कि आजकल काफ़ी इन हैं। एंड ऑफ कोर्स बीड्स इयररिंग्स तो है ही आजकल कितने फैशन में, तो उनके भी काफ़ी ऑप्शंस थे यहाँ पर, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे देखने में, और ये कैरी किए हुए सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ड्रेसेस के साथ इस तरीके की कुछ चीज़ें कैरी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देन यहाँ थी 150 में पैंट्स और शरारा, इनके पास हर तरीके के बॉटम्स अवेलेबल थे, चाहे वो किसी भी तरीके का आप लेना चाहें, हर मटेरियल में अवेलेबल थे। चिकनकारी पैंट्स भी थी इनके पास 250 की प्राइस रेंज में, और हर कलर ऑप्शन अवेलेबल था इनके पास। पेमेंट के सामने वाली लेन में थी ये इयररिंग्स की शॉप, यहाँ पर 50 से 200 की प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इयररिंग्स की। ये छोटे वाले इयररिंग्स जो हैंगे ये सब 50 रुपीज़ में हैं, चाहे इसमें स्टड हो या फिर हैंगिंग वाले हो, स्टोन वाले भी थे इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, जो कि ड्रेसेस के साथ या फिर साड़ीज़ के साथ भी अच्छे लगते हैं। देन ये बड़े वाले जितने भी झुमके और स्टड हैं ये 200 की प्राइस रेंज में है, और इसमें भी कलर ऑप्शन सारी अवेलेबल हैं, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन नीचे ये सारी बैंगल्स थी जो कि 150 की प्राइस रेंज में थी। देन लेन के बाहर आते ही यहाँ पर ये 200 की रिंग थी, जिसमें काफ़ी क्यूट समर वाइज ड्रेसेस थी, बहुत ही सूदिंग कलर्स में थी ये सारी की सारी, मटेरियल इनका जॉर्जेट था और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में थी, जैसे
जैसे कि ये ब्लैक कलर में थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी, स्ट्रेट फिट ड्रेस थी ये। देन इस तरीके की फ्लेयर में भी ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं और ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे थे, चाहे वो इस तरीके की जैकेट वाली ड्रेसेस हों। रेमंड स्टोर के बाहर थे यहाँ पर ये बैग्स जो कि 150 की प्राइस रेंज में थे और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स थे इनके पास। हालांकि ये सब कॉपी होते हैं बट फिर भी काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये। आप इतना पहचान नहीं सकते हो कि ये रियल है या फेक है और ऑप्शंस आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। देन यहाँ इस शॉप पर थे कुर्ता सेट 500 की प्राइस रेंज में और अगर आप सिंगल कुर्ता लेंगे तो वो आपको पड़ेगा 300 में। देन यहाँ पर थे कोरियन ईयरिंग्स जो कि काफ़ी ट्रेंड में है आजकल और ये एथनिक ड्रेसेस या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस दोनों के साथ ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये सभी 50 रुपीज़ में थे और शॉप के अंदर इनके पास और भी ऑप्शंस थे। देन बाहर यहाँ पर ये नेक चेन्स थी जो 100 रुपीज़ में थी और ऑप्शंस इनमें भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर। तो यहाँ इस शॉप पर पिंक चिकनकारी कुर्ती थी ये 1250 की और अगर आप पैंट लेंगे साथ में तो आपको ये पड़ेगी 1650 की। ये मेरा वर्क वाली चिकनकारी कुर्ती थी 1400 की विदाउट पैंट। सामने जितनी भी शॉर्ट कुर्तीज हैं ये 850 की प्राइस रेंज में जॉर्जेट मटेरियल में जो है, बट अगर आप कॉटन मटेरियल में लेंगे तो आपको वो 950 की पड़ेगी। मिड में जितनी भी कुर्तियां हैं ये सब लॉन्ग कुर्तीज हैं और इनका प्राइस है 750 और ऊपर वाली जितनी भी कुर्तीज हैं ये 850 में हैं और ये सभी के सभी विदाउट इनर है। नेक्स्ट एक और चिकनकारी कुर्ती की शॉप थी तो यहाँ ये कॉटन में प्रिंटेड चिकनकारी कुर्ती थी 1450 की विदाउट पैंट। देन ऊपर शरारा सेट थे जिनका स्टार्टिंग प्राइस था 2250। वैरायटी इनमें भी काफ़ी थी और कलर ऑप्शंस भी सारे अवेलेबल थे। देन यहाँ पर ये जॉर्जेट में चिकनकारी कुर्ती थी जो 850 में थी विदाउट इनर। यहाँ थी 250 में फुटवेयर की सेल जिसमें बेली स्लीपर स्लाइडर्स सब अवेलेबल थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी ये सारी की सारी। देन सामने जो हैं वो शूज़ थे वो भी सेम प्राइस रेंज में ही थे। देन ज्योति फैशन के साइड वाली लेन में यहाँ पर ये टॉप्स एंड ट्यूनिक्स थे जो कि 200 की प्राइस रेंज में थे और वैरायटी इनके पास बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं, हर तरीके के टॉप्स अवेलेबल थे इनके पास, चाहे वो प्रिंट में हो, इस तरीके के टॉप्स हो, शॉर्ट टॉप्स हो या फिर लॉन्ग ट्यूनिक टाइप टॉप हो, हर तरीके के थे। ड्रेसेस भी थी इनके पास, जितने भी इस वक्त ट्रेंड में चल रहे हैं वो हर तरीके के टॉप इनके पास अवेलेबल थे। जॉगर्स भी थे इनके पास, इस तरीके के काफ्तान सेट भी थे इनके पास 500 की प्राइस रेंज में। टॉप्स एंड जॉगर्स तो आपको 200 की प्राइस रेंज में ही मिलेंगे। देन आगे इनके पास लॉन्ग ड्रेसेस भी थी जो कि 500 की प्राइस रेंज में थी। देन इस शॉप पर जुत्तीज थी जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके की थी, सीक्वेंस वाली थी, एम्ब्रॉयडरी वाली थी, प्लेन वाली भी थी और स्टार्टिंग प्राइस इनका था 200। देन यहाँ पर ये रिंग थी 200 की जहाँ पर ट्राउजर्स थे कॉटन में, इस तरीके के टॉप्स भी थे 100 रुपीज़ में, बट ये ट्राउजर्स पैंट्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कॉटन मटेरियल में थी, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग कपड़ा था इनका और समर वाइज परफेक्ट ऑप्शन है ये।
देन नारंग कलेक्शन के राइट साइड पर यहाँ पर ये शॉप थी जिसमें 250 की प्राइस रेंज में इस तरीके के नाइट सूट थे, सिल्क मटेरियल में भी थे, शॉर्ट्स में भी थे इनके पास, इस तरीके की कुर्तीज़ थी कॉटन में जो कि 300 की प्राइस रेंज में थी, उनका फ्लावर प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा। देन के बाद काफ्तान थे 400 की प्राइस रेंज में, फुल फ्लेयर ड्रेसेस भी थी इनके पास 600 की प्राइस रेंज में और कलर ऑप्शंस उनमें भी काफ़ी थे। देन रामा बुक डिपोट के बाहर यहाँ पे ये वेस्ट बेल्ट थी 100 रुपीज़ में, इनफैक्ट सब्यसाची ये मुझे 50 रुपीज़ में देने को तैयार हो गए थे आफ्टर बार्गेनिंग। आगे लॉन्ग वाली बेल्ट भी थी इनके पास जो कि 100 रुपीज़ में ही थी, बट अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये आपको 50 में भी देने को तैयार हो जाएंगे, तो आप इनके शॉप को ज़रूर ट्राई करें। देन वीमेन स्टोर के बाहर यहाँ पर 350 में कुर्तीज़ थी जो कि आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी में है, इस तरीके की चिकनकारी कुर्ती थी जो कि समर में काफ़ी सही रहती है कैरी करने में, कलर ऑप्शंस इसमें बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है आप सामने देख सकते हो, और कुर्तियों में इनके पास वैरायटी बहुत थी चाहे वो कॉटन मटेरियल में हो, क्रेप मटेरियल में हो, जॉर्जेट में हो, रियॉन में हो, हर तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल थे इनके पास। देन इस तरीके की चंदेरी में भी थी इनके पास कुर्ती और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी कलर और एम्ब्रॉयडरी वाइज, और कैरी की हुई भी काफ़ी अच्छी लगेगी ये कुर्ती, और ये भी 350 की प्राइस रेंज में थी। देन यहाँ पर नाइट सूट्स थे 200 की प्राइस रेंज में और ये लॉन्ग टॉप वाले थे, इसमें काफ्तान वाले नाइट सूट भी थे, प्राइस इन सबका सेम ही था बट आपको वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसमें, और मटेरियल भी अलग अलग मिल जाएंगे आपको इस तरीके के सिल्क में और कॉटन में, शॉर्ट वाले भी थे जिनके संग शॉर्ट्स होते हैं तो इसमें भी काफ़ी ऑप्शन थे। देन यहाँ पर इयररिंग्स की सेल थी 50 रुपीज़ में, आप जितने भी इयररिंग्स देख रहे हो चाहिए कोरियन वाले हैं, स्टड वाले हैं, स्टोन्स वाले हैं या फिर नॉर्मल सिल्वर ज्वेलरी है, सभी के सभी 50 रुपीज़ की प्राइस रेंज में है और वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है इनके पास। दनिश शॉप पर इयररिंग्स और मांग टीके का सेट था ये 350 का जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देन इस वॉल पर जितने भी इयररिंग्स और मांग टीके के सेट हैं ये सब 350 की प्राइस रेंज में हैं। नीचे इस तरीके के कड़े थे जो कि 150 से स्टार्टिंग थे, ये वाला इन्होंने मुझे 250 का बताया, 2 पीस सेट था ये। देन यहाँ पर थे ये आर्टिफिशियल प्लांट्स जो कि नीचे वाले जितने भी प्लांट्स हैंगे ये 150 की प्राइस रेंज में हैं, ये ऊपर वाली एक स्टिक 200 की थी और इसमें भी ऑप्शंस काफ़ी थे, चाहे आप इस तरीके के येलो वाला लोटस देख सकते हैं या पीछे पर्पल वाला है वो, और पीछे जितने भी ये पॉट के साथ हैंगे ये सब 350 की प्राइस रेंज में हैं। देन यहाँ वस्त्र स्टोर के बाहर यहाँ पर फैब्रिक्स थे जो कि 350 की स्टार्टिंग प्राइस रेंज में थे और ऑप्शंस इसमें काफ़ी थे, ब्रोकेड, सिल्क या सीक्वेंस या फिर आप फेक सब्यसाची भी ले सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ सब वाइट में थे चिकनकारी और सीक्वेंस में और इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी 250। तो चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।